नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। जैसा कि विजय बोथरा जी ने हमसे वादा किया था कि संडे को वो हमारे सवालों का जवाब देंगे, और आज संडे को वो हमारे साथ हाजिर हैं। आचार्य भूपेंद्र मुनि जी और विजय बोथरा जी का जो प्रसंग है कि किस तरह से श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ संबोधि जिसे कहते हैं, वहां पर भूपेंद्र मुनि जी का आना और उसके बाद कुछ विवादास्पद ऐसे बातें होने के बाद में उनका वहां से जाना, भूपेंद्र मुनि जी ने अपना साक्षात्कार नहीं दिया। हमने कई बार उनको कॉल भी किया, उनको मैसेज भी दिया, लेकिन खुशी इस बात की है कि विजय बोथरा जी हमारे साथ तैयार हैं। तो विजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत। हाँ जी संजय जी, नमस्कार। नमस्कार। जय जिनेंद्र सम। जय जिनेंद्र संजय जी। जी विजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि भूपेंद्र मुनि जी से आपका पहला परिचय कब हुआ था? भूपेंद्र मुनि जी का पहला परिचय ये हुआ, जब वो संबोधि में उनका आना जाना था, तब मेरा उनका संश्री के शुभकर जी के सानिध्य में वाते थे, तो मेरा परिचय हुआ जी। और परिचय होने के बाद में उनको शुभकर्ण जी ने, शुभकर्ण जी की कोई वार्तालाप हुई होगी कि एकांत साधना करने के लिए, तो उन्होंने, शुभकर्ण जी ने मुझे कहा था कि जब भी इनको एकांत साधना करनी हो तो ये स्थान उपलब्ध करा देना। अच्छा, ये शुभकर्ण जी ने कहा था? हाँ, शुभकर्ण जी ने ये बात कही थी कि जब भी भूपेंद्र मुनि को एकांत साधना करनी हो तो ये स्थान उपलब्ध करा देना। तो जब संबोधि नागेश्वर पार्श्वनाथ का जब इनका आना हुआ, तो उन्होंने मेरे को एक सूचना दी कि मेरे को एकांत साधना करनी है। नहीं तो आपको ये देखिए, इसमें एक बात हमारे पास जो कुछ बातें आ रही है उसमें कुछ ये बातें आ रही है कि शुभकर्ण जी ने आपको ये कहा था कि भूपेंद्र मुनि सोने की मुर्गी है, हर दिन अंडा देगी, इनको लेके आ जाना, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। और नहीं, हमारे पहले एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ आपके सामने आज कि, और समाज को भी ये मैसेज जाना चाहिए, संबोधि श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर साधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए ये संस्थान का निर्माण किया गया है। यहाँ निस्वार्थ भाव से कोई भी साधक, कोई भी साधु, कोई भी आए साधना करे और यहाँ रहे, उनको निस्वार्थ भाव से वहां पर सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएगी। अब मुझे आप ये बात कोई... नहीं, आपने ये बात तो कही, आपने ये बात मैंने पहले पहले इंटरव्यू में भी कही थी, अच्छी बात है ये। लेकिन लेकिन आप मुझे ये बताइए कि भूपेंद्र मुनि जी सीधे तो आपके पास आए नहीं, इससे पहले तो आपकी कई वार्तालाप हुआ होगा, ऐसा प्रोग्राम नहीं, बना नहीं, होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, जब इनको यहाँ पर साधना करनी थी, एकांत साधना करनी थी, तब उन्होंने मुझे ये सूचना दे दी कि मुझे एकांत साधना करनी है और वहाँ पर जाना है, तो मैं उस वक्त वहाँ पर गया और वो खुशी खुशी आए, इसमें कोई दो राय नहीं थी, सिवाय साधना करने के लिए हमारी कोई भी प्रकार की वार्तालाप नहीं हुई। तो आप मुझे ये बात बताइए, जब आप दोनों के बीच में ये बात हुई, उन्होंने कहा मुझे एकांत साधना करनी है और वो खुशी खुशी आए, तो इस बीच जब वो तो संघ को छोड़ करके आ रहे थे, तो उन्होंने तो आपसे, तो फिर आपसे भी फिर अपने भविष्य से संबंधित भी बात की होगी कि मैं वहाँ कैसे रहूंगा, मेरी क्या व्यवस्था होगी। देखिए ऐसा ना, वहाँ पर आहार की व्यवस्था थी, रहने की व्यवस्था थी, साधना करने के लिए साधन उपलब्ध है। नहीं तो आपसे उनकी कोई बात ऐसी हुई क्या, कोई राय मशविरा, कोई आपस में एक चाहे लीगल एग्रीमेंट ना हो, क्योंकि देखिए नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं हुई है, कोई प्रकार की कोई बात नहीं, इसके अलावा हमारी कोई बात ही नहीं हुई है। तो भूपेंद्र मुनि जी ने क्या आपको कहा था कि मैं वहां जाकर के बोथरा बालाजी, जो बालाजी का धाम है, मुझे वो बनाना है, मेरा ये संकल्प है, मैं ये करूंगा, ऐसा कुछ आपसे कहा था? नहीं, उस वक्त ये कोई चर्चा नहीं है, उस वक्त कोई केवल साधना की, केवल साधना की ही बात थी। लेकिन उनके साथ एक उड़ीसा में जो एक मंदिर उनका निर्माण चल रहा था, वो तो उनकी योजना में, मेरी जहां तक जानकारी है, संघ छोड़ने के साथ ही, जैसे ही वो आपके आश्रम में आए, उसके मैसेज तो आने लग गए थे।
कि वहां पर कोई धाम बन रहा है? नहीं, तो उसमें बोथरा बालाजी नाम का तो कोई जिक्र ही नहीं है। उड़ीसा में बोथरा बालाजी का जिक्र नहीं है, लेकिन बन तो ये बावन गजा बालाजी धाम है, वो वहाँ पर कांटा भाजी में उनका वो बन रहा है, वहाँ पर बन रहा है, वो वहाँ पर बन रहा है, वो वहाँ पर बन रहा है, लेकिन है तो वो बालाजी का ही ना, जो जिनकी है वो बालाजी का ही है, लेकिन यहाँ पर इस विषय पे कोई चर्चा नहीं थी। ये जो भूमराधर बालाजी का जो अपने जो मंदिर है, ये इस अपने हमारे इष्ट देवता है, कुल देवता है, हमने वहाँ पर उनको विराजमान करने की हमारी पहले भी योजना थी। जब ये संबोधि नागेश्वर पार्षद बना था उस वक्त भी ये योजना थी और आज भी योजना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। नहीं, ये योजना आपकी थी। हाँ, मतलब आपके आश्रम की थी। बिल्कुल, ये आपके आश्रम की थी। तो आचार्य भूपेंद्र मुनि जी जब आपके आश्रम में आए, देखिए विजय जी, इसमें एक बात, कोई व्यक्ति अपना एक स्थान छोड़कर के दूसरे नए स्थान में जाता है तो निश्चित रूप से उसकी कई परिकल्पनाएं होती है, कुछ योजनाएं होती है, उसके बारे में वो बात करता है। तो क्या आपके साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई? भूपेंद्र मुनि जी जब इतना बड़ा कदम उठा रहे थे। संजय जी, मेरे पास में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अगर ये बात होती तो मैं हमारा ट्रस्ट जो है पहले ही मना कर देता इस बात पर। अच्छा, आपका ट्रस्ट इनको पहले ही मना कर देता। आप मुझे एक बात बताइए, भूपेंद्र मुनि जी के यहाँ, आपके यहाँ प्रवास 10-11 महीने का रहा? 11 महीने का रहा। तो ये जब यहाँ पर आकर के इनके व्हाट्सएप के मैसेज में जब कुछ ऐसे संदेश जा रहे थे, तो आपके बीच में क्या कोई बात हुई, या आपके बीच में इनके साथ जो विवाद शुरू हुआ वो कब हुआ? नहीं, ये विवाद ऐसा है, मेरे पास में मेरा कोई विवाद भी नहीं था इस विषय पर। मैं क्या, ये अच्छे से साधना कर रहे थे, सारी चीज अच्छी चल रही थी, कोई माने जो उनकी साधना की पद्धति वो कर रहे थे, उसमें कहीं आपत्ति नहीं थी। ये विवाद क्या, ये विवाद कहाँ हुआ कि ये 27 जनवरी को वहां पर आए, कहाँ पर, संबोधि में, नागेश्वर पार्षद में जी। और आने के बाद में इन्होंने मेरे को जानकारी भी नहीं, कुछ भी नहीं, इन्होंने बैंक का अकाउंट खुलवा लिया जी। ठीक है, बैंक का अकाउंट खुलवाने के बाद में इसकी जानकारी मुझे मालूम पड़ी सितंबर लास्ट में कि भूपेंद्र मुनि का खाते अकाउंट खुल चुका है जी। तो मैंने मेरा क्या है कि मेरी एक साधना चल रही थी, मैं साधना आरम्भ किया था नवरात्रि में, तो मैं अखंड ज्योत मेरी हैदराबाद में जला के वो उस महामंत्र की साधना आरंभ की थी, और अखंड ज्योत की पूर्ण होने के बाद में मैंने इसका अनुष्ठान माँ संबोधि श्री नागेश्वर पार्षद में करने का विचार किया, और वो विचार फाइनल था, और इसका मैंने मैसेज भी सार्वजनिक किया। और उसके बाद में मैं जो पूर्णरात्र बालाजी की मुझे साधना करनी थी महामंत्र की, मेरे को महामंत्र दिया गया था किसी सिद्ध पुरुष ने, तो मैं उनकी साधना आरंभ की, और आराम करने के बाद मैंने कहा कि जब अखंड ज्योति जब पुनरा करके बालाजी की मेरे को जगह प्रज्वलित करनी है तो मैं मंदिर में करूंगा वहाँ नागेश्वर पार्षद में। तो वो प्रज्वलित मैंने करने के लिए मैंने एक विचार व्यक्त किया कि इसमें सार्वजनिक लोग से भी जुड़े तो मुझे आपत्ति नहीं है, साधना तो मेरी चल ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने वो सवाल जब अनुष्ठान का संकल्प किया और मैं वो अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के लिए जब ये प्रोग्राम हो रहा था उसी बीच में ये प्रोग्राम भी किया, उसका करने का विचार रखा। उसके लिए मैंने 501 रुपये भी, 501 रुपये अखंड ज्योति में कोई भी सहयोग देवे तो उनका स्वागत है, उनके नाम से अखंड ज्योति भी चल जाएगी। ये मेरा प्रोग्राम था और इसका मैंने मैसेज भी जारी किया। आप मुझे बताइए आप जब खुद ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति दुकानदारी नहीं कर सकता, सिर्फ साधना के लिए आ सकता है, तो आपको सार्वजनिक मंच पर ये तय करने की जरूरत क्या थी कि लोगों से 501 रुपए लेने हैं हमें? नहीं, इसमें ऐसा था कि देखो एक चीज है ना, ये अपन संस्था को चलाते हैं तो संस्था को चलाने के लिए अपने को कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। नहीं, मुझे तो आप मैंने वो अच्छा दूसरी चीज, ये एक बड़ो एक ये एक बड़ो बड़ा प्रोग्राम भी करना था अपने को कि जो 501 रुपए के हिसाब से जब हमने ये मैसेज जारी करने का लोग इसमें से पैसे भी उसमें पैसे दिए और पैसे आए भी, मैं ये नहीं कहता। और मैंने हमने ये अकाउंट नंबर जो है सार्वजनिक रूप से अपना नागेश्वर पार्षद का अकाउंट नंबर जारी किया इसमें कि भाई इस अकाउंट में आप पैसा भेज सकते हैं। तो उसमें कितने रुपए आए, कितने रुपए आ गए? इसमें
उसमें जो रुपया आए थे 2,45,000 के करीब, जो लिस्ट बनी है उसके आधार पर 2,45,000 के आसपास रुपया आया। मतलब आपके ट्रस्ट के खाते में 2,45,000 आ गया? नहीं 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 नहीं, समझ, आप लिस्ट के हिसाब से 2,45,000 रुपया हुआ लगभग, और उसमें से 70,000 रुपया अपने खाते में आए लगभग। आपके 70,000 रुपए आए, 2,45,000 क्या हुआ, खर्च हुआ? नहीं, 2,45,000 रुपए संजय जी, ऐसा है 2,45,000 रुपए जब जिनके जिनके नाम आए ना, जैसे उनका नाम के आधार पर 2,45,000 रुपए हुआ। ओके, तो बाकी के रुपए कहाँ गए? इसमें से 70,000 रुपया जो अपने जो नागेश्वर पासनाथ का खाता अकाउंट है ना उसमें आए, या कोई सुन लो 5,000-4,000 रुपए नकदी लिया तो नकदी आए, ये किए इसमें से जो 70,645 रुपए अपने ट्रस्ट के अकाउंट में आए। बाकी जो रुपया गया वो महाराज का अकाउंट था उसमें गया रुपया। तो महाराज का किस बैंक का अकाउंट में गया आपको पता है? ये महाराज का एक ही अकाउंट है, महाराज का एक ही अकाउंट है या एक से अधिक है अकाउंट? अभी उसकी जानकारी तो मुझे नहीं, जो मुझे मेरे पास जो जानकारी आई वो है स्टेट बैंक का अकाउंट है। वो स्टेट बैंक का अकाउंट है, मतलब हाँ, जो महाराज जी पहले अपने खाते के लिंक दिया करते थे वो स्टेट बैंक का अकाउंट है। स्टेट बैंक का अकाउंट था तो उसमें से 95,000 रुपया हमने महाराज के अकाउंट से नागेश्वर पासनाथ खाता में से ट्रांसफर किया। तो महाराज जी ने आपको 95,000 रुपए दिए हैं तो उसमें 70,000 और 95,000 हुए, लगभग 1,65,000 रुपया हो गया 2,70,000 में से, बाकी 2,47,000 रुपया जो है, 40,47,000 जो भी है उसमें से बाकी रुपया वो भी अपने पास नहीं आए। वो पैसा आया नहीं आपके पास? नहीं, हमारे पास नहीं आया पैसा। तो वो पैसा मेरे पास जो अमाउंट आई है वो इतना ही आई है। तो जो भूपेंद्र मुनि जी मैसेज देते हैं कि लाखों रुपए हमारे भक्तों के ट्रस्ट में चले गए, लाखों रुपए का हम सामान छोड़ के आ गए, तो हाँ। इस हिसाब से तो उनके भक्तों का अनुदान यहाँ बहुत हुआ है आपके ट्रस्ट में। ऐसा है, लाखों रुपए का अगर उन्होंने भक्तों ने दिया है तो किस खाते में दिया, वो खाता तो बता दे, अपना खाता तो क्लियर है, बैंक का अकाउंट है, संबोधित श्री नागेश्वर पासनाथ के 2 अकाउंट है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, मेरा स्टेटमेंट जारी कर दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अनुदान के जो है उन्होंने कई सामान भी वहाँ रख दिए हैं आपके ट्रस्ट में, जो सामान आपने रख लिया। नहीं, मेरी बात सुनिए, ऐसा है संजय जी, कोई भी सामान दिया है वो सामान वहाँ पड़ा है जी, वहाँ सामान जो भी दिया किसी ने, अगर एक चम्मच भी दिया है तो वही है, विजय कुमार बोथरा या ट्रस्ट के किसी सदस्य ने वो सामान यहाँ लेकर नहीं आए हैं, अपने घर पर लेकर नहीं गए, वो वहीं पड़ा है। और किसी को भी देखना है, किसी को भी देखना हो, किसी को भी ऐसा लगे वहाँ सामान नहीं है तो वो जाके देख ले रहे, वो ठीक है। विजय बोथरा की जो सामान जिसने भी दिया है वो वहाँ पड़ा है, बाकी जो सामान दिया है वो महाराज जब गए वो साथ में ले गए। और मैंने तो महाराज को कहा भी था कि भाई आपका निमित्त, महाराज ने मुझे कहा कि मेरे निमित्त में जो भी सामान है वो मैं लेके जाऊंगा जी, तो मैंने कहा जो भी सामान है भले आराम ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है आपको, इस हमारे जो ट्रस्ट में पड़ा उसमें से कुछ चाहिए तो वो भी ले जाओ, कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, आपने ये कहा, लेकिन उन्होंने वो तो उनके मैसेज तो ये बता रहे हैं कि आपने वो रख लिया। चलिए, अब आप ये कह रहे हैं तो मुनि आचार्य भूपेंद्र जी को ये संदेश जा रहा है कि आपका अगर वहाँ कोई सामान है तो वो सामान आप ले जा सकते हो, क्योंकि हमारे कोई आपत्ति नहीं है। हमारा देखो ऐसा ना, वो सामान जो भी पड़ा है वही पड़ा है, और वो ऐसा है ना, किसी भी ट्रस्ट में अगर कोई भी संस्थान, कोई भी व्यक्ति अगर अनुदान या सहयोग या कोई सामान देता है वो वैसे तो वो ट्रस्ट का ही होता है, इसमें कोई किसी भी, देखो संजय जी आप भी जुड़े होंगे बहुत से ट्रस्टों में, तो आपको भी जानकारी होगी। नहीं, मैं ट्रस्ट में नहीं जुड़ता जी, मैं इसलिए नहीं जुड़ता क्योंकि विजय जी ट्रस्ट में अधिकांशतः है ना दुकानदारी होती है। मैं मेरा एक मानना है कि अगर कोई जिस ट्रस्ट में जिसके परिवार के सदस्य हुए हैं पूरे के पूरे, और उसके अलावा कुछ अलग सदस्य हैं, तो उस व्यक्ति को सार्वजनिक मंच पर एक पैसे का अनुदान नहीं लेना चाहिए, अपने आप अपने ट्रस्ट को चलाना चाहिए। या तो परिवार के सदस्य न रखें, सिर्फ अकेला रहे और उसमें समाज के सभी लोग रहे, उसमें अनुदान भी होता है, उसमें समाज का काम भी होता है, उसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन हमने ये देखा है, हमने कुछ ऐसे ट्रस्ट भी देखे हैं जिसमें परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन वो लोग
सामाजिक क्षेत्र से कहीं से एक पैसे का अनुदान नहीं लेते, वो अपने बिजनेस से जो कमाते हैं उसका जो फंड उनका वो ट्रांसफर होता है वहां से वो सामाजिक काम करते हैं, उसमें लोगों को बुलाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जहां पर एक एक व्यक्ति रहता है, ट्रस्ट के लिए व्यक्ति तो जुड़ना ही चाहिए, जुड़ेंगे तभी काम होगा, वहां पर सामाजिक अनुदान होता है, वहां पर व्यवस्थाएं भी होती है, वहां पर सवाल जवाब भी होते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि वहां पर घोटाले नहीं होते, घोटाले तो वहां पर भी हो जाते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उस पर थोड़ा सा लोगों को भरोसा रहता है। मेरा सवाल यह बनता है, मेरा सवाल आपसे यह है, दो सवाल मेरे मुख्य है, मेरी बात सुनिए। भूपेंद्र मुनि जी आपके ट्रस्ट में एक विश्वास के साथ आए थे, बिल्कुल, तो एक विश्वास के साथ एक कोई मुनि आपके पास आया है, ऐसा क्या विवाद हो गया इतना कि उनको वो स्थान छोड़ना पड़ा? मैं उस विवाद की जड़ को जानना चाहता हूँ कि बात शुरुआत कहाँ से हुई, किस मुद्दे पर आपका टकराव हुआ, और भूपेंद्र मुनि जी जो अपने व्हाट्सएप के मैसेज में पहले कहते थे ये भूमि इतनी रमणीक है, इतनी चमत्कारिक है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, आखिर उस भूमि को छोड़कर के उनको जाना क्यों पड़ा? आपका विवाद, ये जो पैसे का विवाद हुआ है, शुरुआत पैसे की हुई है, विवाद आपका पैसे का हुआ है, ये विवाद कहां से हुआ, कहां से आपका टकराव हुआ, और फिर बात कैसे इतनी बिगड़ गई कि मुनि जी आपका स्थान छोड़ करके चले गए, और आज पहले आप एक गठबंधन में थे, आज उनकी नजर में आप उनके लिए धोखेबाज बन गए, आपकी नजर में वो भी आपके लिए ऐसे बन गए, तो ऐसी बात क्या हुई? वो समाज जानना चाहता है, उस बात का खुलासा आप कीजिए, क्योंकि भूपेंद्र मुनि हमारे साथ बोल नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो क्लियर, देखो अपना अपने अपने संस्था अपने ट्रस्ट का उद्देश्य मैंने आपके सामने रख दिया। आपने देखिए विजय जी, मेरी बात नहीं, विजय जी एक बात आपकी मैं काटूंगा, आपने जो उद्देश्य रखा है, आपने जो उद्देश्य रखा है वो उद्देश्य आपने खुद बरकरार नहीं रखा, आपने खुद अपनी साधना में 501 रुपए की अनुदान राशि जो लोगों से मंगवाई, आपने यहाँ पर एक शुरुआत कर दी, और मुनि जी ने जब अकाउंट खोल लिया तो आपने उनके अकाउंट से रुपए ले लिए, आपको जब पता चला, आपको लगता है यहाँ पर कोई मुनि अकाउंट नहीं रख सकता, हमको मुनि से साधना करे, तो मुनि मुनि को ये काम क्यों करना पड़ा? कहीं आपके बीच में ऐसी बात हुई होगी कि हमको इस ट्रस्ट को ऐसा बनाना है, हमको फिर ये मंदिर भी बनाना है, आप भी अपने भक्तों से रुपए लीजिए, कहीं कुछ ऐसा हुआ होगा? नहीं, हमारी ऐसी कोई चर्चा नहीं थी, हमारा कोई वैसा कोई बात ही नहीं थी, हमारा कोई उसमें उद्देश्य तो मुझे आप एक बात बताइए, जब आपको पता चला कि भूपेंद्र मुनि जी ने अकाउंट खोल लिया है, आपको तो वही विरोध करना चाहिए था कि मुनि जी अकाउंट नहीं कर सकते। मैंने 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 कहा ये बात, मैंने कही उनको, मैं बोले जब ये अपना नागेश्वर पार्श्वनाथ का जब अकाउंट है तो ये गूगल पे में पैसा मंगाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो आपको तो ये कहना चाहिए महाराज, आपको पैसा मंगाने की दरकार क्या है, पैसा तो आपको लेना ही नहीं, आप तो साधना करो। लेकिन इसका मतलब दे, आप दे। इसका मतलब विजय बोथरा जी, आपको आपत्ति इस बात से थी कि भूपेंद्र मुनि अपना अकाउंट न खोले, अपना अकाउंट न दे, नागेश्वर पार्श्वनाथ का अकाउंट दे, वहां से आपको पैसा चाहिए था, भूपेंद्र मुनि जी के पैसे से आपको आपत्ति थी, तो फिर आपने आप तो अपनी वो बात जो कहना चाहते थे कि यहाँ पर कोई साधना कर सकता है, पैसे का काम नहीं कर सकता, तो फिर यहाँ पर पैसे का काम अप्रत्यक्ष रूप से आप करवा रहे थे। देखिए ऐसा ना, आज ये ट्रस्ट देखो, ये ट्रस्ट में जब भी जब ये ट्रस्ट बन जब शुरुआत हुई है और आज तक हमने हमारे मैसेज में किसी भी लोगों को ये नहीं कहा कि इसमें आप किसी प्रकार का अनुदान दीजिए और किसी पर और इसमें जो भी स्वेच्छा से देना चाहे उनका स्वागत और अभिनंदन है, हमारी बात क्लियर है उसमें, इसमें हम इस मुद्दे से कहीं भी भटक नहीं रहे। मैं आपको मेरी बात, हाँ शुभकरण जी के नाम से जो बातें आपने पहले भी हमें कही थी मुनि जी के नाम से, आप पर तो बड़ा संगीन आरोप ये है लोग लगा रहे हैं कि आपने मुनि श्री शुभकरण जी के सतत्व को भी नष्ट किया है, उनको 2-3 साल पैसे मांगने के लिए दर दर घूमना पड़ा, वो बहुत तनाव में थे, लोगों को कहते थे कि यहाँ पर इतना कर दिया है, ऐसा ना लोगों ने लोग क्या कह रहे हैं,
लोग क्या नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं उनको आपके सामने ला सकता हूँ, आपके सामने ला सकता हूँ। ऐसा है ना, देखिए, और वो जो है वो वहीं पर उपस्थित थे, वो वहां पर रहे हुए थे, उन्होंने मुनि जी के बहुत सारे काम, जो प्रशासनिक क्षेत्र के काम थे, वो काम करवाए थे, वहां का काम करवाया था, और उसके बाद उन्होंने देखा था कि मुनि जी ने कई यात्राएं की है पैसा मांगने के लिए। तो आप जब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि हमारे आश्रम में दुकानदारी नहीं चल सकती, जो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप पर आरोप ये है कि आपने उन मुनि जी को भी पैसे मांगने के लिए मजबूर कर दिया था, ऐसा क्यों? ऐसा ना संजय जी, दुनिया है, दुनिया कुछ भी कह सकती है, उसके लिए जो भाई समाज है, समाज कुछ भी कह सकता है, वो कुछ भी कह सकता है। मैं आपको जो सत्य है, जो सत्य है ना, उससे सब परे है। वो सत्य को क्या है, वो आज शुभकर्ण जी वर्तमान में नहीं है, तो वर्तमान में होते थे इसका जवाब खुद वो दे देते थे। शुभकर्ण जी का नाम तो अगर बीच में ले नहीं ले तो अच्छा ही है, क्योंकि वो जहाँ भी ये भगवान करे उनकी अच्छी आत्मा, नहीं, उनका नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन लोगों को भी दुख है कि एक मुनि की इतनी तपस्या, ऐसे मुनि थे, उनको भी करीब 2-3 साल अपने आखिरी वर्ष में इस तरह से पैसे मांगने पड़े। क्यों मांगने पड़े, उसमें नाम आता है आपका। तो मैंने उनको ये कहा कि मैं ऐसे आपके आरोप को स्वीकार नहीं कर सकता। अगर विजय बोथरा जी चाहेंगे तो फिर हम आपको, आपका इंटरव्यू उनके साथ भी ले सकते हैं, हम साथ में जोड़ करके भी ले सकते हैं कि आप अपनी बात कहिए, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि हम भी वही थे। और उस वक्त जब भूपेंद्र मुनि के लिए कहा गया था कि ये सोने की चिड़िया है, सोने की मुर्गी है, ये हर दिन अंडे देगी, ये बात भी शुभकरण जी के माध्यम से आप खड़े थे और आपके सामने ये बात हुई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, बेकार में क्या किसी की अपन ऐसी बात करें तो अच्छा भी नहीं लगता है और यह ठीक भी नहीं है। मुझे एक बात का आश्चर्य ये हो रहा है कि भूपेंद्र मुनि जब ये काम कर रहे थे, और आपने अपने 501 रुपए के अनुदान के लिए भूपेंद्र मुनि जी से मतलब कह दिया कि ये काम तो किया जा सकता है, तो आपने तो मुनि को साधना के पद से तो उतार ही दिया। या तो अच्छा होता जब वो बैंक अकाउंट खोले, आप उनको कहते मुनि जी आपको किस बात की आवश्यकता है, आपको रहने की आवश्यकता है, रहने की पूरी व्यवस्था है, आपके आहार पानी की पूरी व्यवस्था है, आप तो साधना कीजिए, आप साधना कीजिए, आपको पैसे की कोई चिंता नहीं करनी है, कोई अकाउंट न तो आपको नागेश्वर पार्श्वनाथ के लिए बोलना है, नहीं आपको आपके अकाउंट के लिए बोलना है, आप तो सिर्फ साधना के लिए बोलिए, लोग अपने आप समर्पण भाव से जो दे जाएंगे, नहीं दे जाएंगे तो जितना है उसमें काम चलेगा। नहीं, तब आज तक जितना ऐसा ना, देखो संजय जी, ऐसा है, जो भी खर्च लग रहा था, मेरी बात सुनिए आप, पहले इस बात पर क्लियर करता हूँ मैं, जो भी खर्च लगता था, जो भी दर्शनार्थी सेवार्थी आते थे, वहाँ जो भी व्यवस्था थी, भोजनशाला की जो भी और भी थी, वो जो हमने आज तक किसी के स्वास्थ्य में 1 रुपया भी नहीं मांगा, और जो खर्चा होता था वो ट्रस्ट का ही होता था, और होता था कोई सहयोग स्वेच्छा से दे गया तो ठीक है, नहीं दे गया तो ठीक है, इसमें कोई अपने किसी से ये भी नहीं कहा कि आप पैसा मैं हमारे को ये करो वो करो पैसे के लिए। हमारा ये एक इंस्ट्रक्शन साफ था कि कोई भी आदमी अगर सहयोग करता है तो या तो बैंक के खाते में करे या दान पेटी रखिए उसमें करे, दो ही लक्ष्य था उसमें। मुझे एक बात बताइए, देखिए अच्छा होता या तो आपके पास जितना सामर्थ्य था, आपके परिवार के लोगों के पास जितना सामर्थ्य था, आप ये फिर ट्रस्ट बनाने की योजना क्यों बनी? जब हम अपने बलबूते पर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि भाई हम ही करें, हमको फिर मांगना ही पड़े, हमको मुनि से मंगवाना पड़े, कैसे भी करना पड़े, तो फिर वो ट्रस्ट की दरकार क्या थी? फिर तो अपने परिवार के लोगों को आपने लिया, लोगों को आपत्ति है, आप जुड़ते, ऐसे ही अन्य लोगों को जोड़ते, उनके माध्यम से चलता तो आज आप पर कोई आरोप भी नहीं लगता। आप पर आरोप इसलिए लगता है कि ये ट्रस्ट आपका मालिकाना हक है और जो आपने दूसरे लोग ले रखे हैं वो स्लीपिंग सेल है, आप पर आरोप ये लग रहा है साहब। और एक बात, मेरे पास कल परसों एक मैसेज आया है संबोधि श्री पार्श्वनाथ तीर्थ में, इसमें भी आपके अखंड ज्योति 15 नवंबर 2022 वाला ये मैसेज है मेरे पास, दिनांक 1 जनवरी प्रारंभ हो रहा है,
आखिर क्या जरूरत थी, आखिर क्या जरूरत थी विजय जी, जब आप खुद ये कह रहे हैं कि हम हमारे यहाँ पर जो भी मुनि आएंगे साधना करने वाले साधना कर सकते हैं, दुकानदारी नहीं कर सकते, और हम खुद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अगर ये काम कर रहे हैं तो जरूरत क्या थी, आप ये बताइए। और आप बोल रहे हैं मुझे मेरा बालाजी का मंदिर बनाने की इच्छा थी, बनाइए। हम लोगों का अनुदान लेकर के बनाते हैं तो फिर वो फिर उसकी दरकार क्या है, फिर तो हम पुनरासर बालाजी का धाम है ही ना, फिर तो वहाँ बन ही रहा है। नहीं देखिए ऐसा ना कि जो भी वहाँ पर जो भी मंदिर वगैरह का जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जो भी चल रहा है, वो सार्वजनिक वहाँ पर सब लोग देख भी रहे, सारा काम वहाँ पर हो रहा है, इसमें कोई अब कोई भी व्यक्ति अगर मान लो सहयोग देना चाहे तो उसमें आपत्ति मैं तो किसी की आपत्ति नहीं ले सकते ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नहीं सहयोग लेना चाहे, आपत्ति वहाँ होती है। देखिए लोगों को आपत्ति क्या है, आपके परिवार के सारे मेंबर ट्रस्ट में है, कुछ लोगों को आपने और जोड़ रखा है, तो जिन लोगों को आपने और जोड़ रखा है लोगों का कहना है कि वो सिर्फ दिखावटी हैं, पूरा अधिकार इनका ही है। देखिए ऐसा ना, ये चाहे अधिकार की बात है ना, चाहे ट्रस्ट के लोग हैं तो ट्रस्ट के सारे लोग ही रहेंगे ना, उसमें क्या बात है, इसमें आपत्ति और बिना आपत्ति की तो कोई बात ही नहीं है ना। लोगों को नहीं आपत्ति, देखो वैसे तो भारत के संविधान के अनुसार आप कुछ भी कर सकते हैं, संविधान के अंतर्गत कर रहे हैं, उसकी मैं उसके लिए मेरा कोई सवाल नहीं है। मैं सवाल उसके लिए नहीं उठा रहा हूँ कि जब आप ट्रस्ट की कार्य प्रणाली से नियम का लागू करके कर रहे हैं तो वो तो एक वैधानिक नियमावली का पालन कर रहे हैं, लेकिन लेकिन एक जो सामाजिक बात आती है कि ट्रस्ट को अपनी दुकान बना रहे हैं, ये पैसा लगा नहीं रहे, ये पैसा कमा रहे हैं, इन्होंने अपना मालिकाना हक बना लिया है, और ये सबसे बड़ा आरोप आप पर जो लगा है वो आरोप बड़ा संगीन आरोप है, सुप्रीम जी वाला। एक मिनट मेरी बात सुनिए, अभी आरोप लगाने के लिए कुछ भी लोग लगाएंगे वो तो कोई बात ही नहीं है उसकी, तो जब कोई जब काम होगा तो आरोप भी लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब ये एक मिनट मेरी बात क्लियर करने दीजिए, जब ये धीरे धीरे बन के तैयार होगा ना तो सारे जो आरोप है वो लुप्त हो जाएंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। और देखिए इसमें है कि आज जो बलिदान हमारे को देना है हम दे ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और दूसरी चीज रही, जो इसमें सहयोगी बन रहे हैं वो भी दे रहे हैं, वो भी बात नहीं है, कोई नहीं दे रहे हैं ऐसी बात नहीं है, दे रहे हैं लोग और भी दे रहे हैं। लेकिन इसमें है ना कि अभी कुछ लोगों को इसमें आपत्ति हो सकती है और कुछ लोग वो आपत्ति अपनी किसी भी रूप में जाहिर कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति उसकी हमारे को कोई तकलीफ भी नहीं है कि भाई हम अपने काम में हम अपना काम प्रामाणिकता के साथ करना चाहते हैं और इसके लिए कोई भी सहयोग दे या न दे, जो दे उनका भी स्वागत है, जो न दे उनका भी स्वागत है, इसमें कोई गिला चुभा नहीं है। और सही बात आरोप की तो ऐसा ना कुछ भी आरोप लगाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, भगवानों को भी नहीं बख्शा गया तो हम तो सामान्य आदमी मैं उस बात को मानता हूँ कि भगवानों को भी नहीं बख्शा गया, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ खुद उपस्थित रहा है वो व्यक्ति जब ये कह रहे हैं तो उनकी भी देखो ऐसा है ना, कुछ मैं उनके बारे में क्या बोलूँ, उनको किसी के बारे में मेरे को बोलने का अधिकार नहीं है। मैं मेरे अपने आप को जानता हूँ कि मैं कितना मैंने मेरे को कितना अंदर से मेरे को अंदर से कितनी चीज की प्रमाणिकता है वो मेरे अलावा कौन जान सकता है मुझे। नहीं इसमें यह ठीक है कि आप अपने अंदर प्रमाणिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि जो बाहर से जो दिखता है भावनाएं दिखती है। अब आप मुझे एक बात ये बताइए, मुझे तो समझ में ये नहीं रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भूपेंद्र मुनि जी के लिए भी मैंने कल एक वीडियो दिया था, उसमें मैंने अगर आपने सुना है मैंने उसमें स्पष्ट कहा था कि कल विजय बोथरा जी से मेरी वार्ता होनी है। अगर आपके मन में विजय बोथरा जी के लिए कोई सवाल है तो वो सवाल आप मुझे दे सकते हैं, लेकिन इंद्र मुनि जी ने भी कोई सवाल नहीं दिया, और आप भी ये कह रहे हैं कि हमारे बीच में ऐसी कोई डील नहीं हुई, ऐसी कोई बात नहीं हुई जो लगभग अविश्वसनीय लगती है, और इससे एक प्रमाणित बात ऐसा लग रहा है दोनों पक्षों ने एक दूसरे का विरोध तो किया है लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं ये संयम रखा है, क्योंकि लगता है कि एक दूसरे की कमजोर नस आपस में है,
इसलिए उस बात को किसी ने नहीं कहा, न तो भूपेंद्र मुनि ने आपके लिए कहा है और न आप उनके लिए कह रहे हैं। लेकिन हम ये कैसे मान लें कि कोई आदमी एक स्थान छोड़कर के, धर्म संघ को छोड़कर के, जहां पर उनको पूरी व्यवस्था है, उस जगह को छोड़कर के नए स्थान में आता है और कोई प्रामाणिकता से बात नहीं करेगा, अपने भविष्य की बात नहीं करेगा, अपनी योजनाओं की बात नहीं करेगा। वो तो पहले से ही बालाजी मंदिर की बात पहले से ही अपने कार्यक्रम में ले रहे थे, उन्होंने क्या आपसे बात नहीं की? क्या आपको पता नहीं था कि वो आकर के दुकानदारी करेंगे? लोगों को यह लगता है कि आप दोनों के बीच में यह बात तय थी कि हमको पैसा लेना है, लेकिन आपको यह पता नहीं था कि भूपेंद्र मुनि जी खुद अपने अकाउंट में भी पैसा ले लेंगे। लोगों का कहना यह है। अरे देखिए ऐसे ना, लोगों, मैं तो क्या कहा आपको, मैंने कहा ना लोगों का, लोगों की, लोग जो कह रहे हैं उनको सुनने के अलावा कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात रही, आज भी मैं आपको एक स्पष्ट कहता हूँ कि साधना, भक्ति, स्वाध्याय जो भी करना चाहे उनको वहां पर संस्थान में व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ पर आप यहाँ आए, साधना करे, भक्ति करे, कोई मनाही नहीं है। और जो 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 काम कार्य हो रहे हैं, साधना के जो उपक्रम बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। उसमें कोई भी भक्त आए, कोई भी श्रावक आए और सहयोग करे तो उसकी भी कोई मनाही नहीं है। वो वहीं पर लग रहा है, कहीं पर दूसरी जगह भी जा रहा है। और मैं तो स्पष्ट कहता, मेरी बात सुनिए, स्पष्ट कहता हूँ कि संस्थान को जो भी किसी प्रकार का कोई भी सहयोग देना हो वो थ्रू बैंक के ही देवे, मैं तो न देवे। और हमारा जो संस्थान का जो हम लेकर चल रहे हैं, इसका हम ऑनलाइन पेमेंट ही कर रहे हैं। जिनको जिनको पेमेंट करना है उनका हम ऑनलाइन ही पेमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ ये काम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा देखो ऐसा ना, दुनिया किसको किसको क्या बोलेगी, मैं इसके बारे में नहीं, ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने फिर ये अपील की कि कोई भी स्वाध्याय ध्यान के आराधना के लिए आ सकता है, लेकिन कोई वो आ सकता है, अपनी दुकानदारी नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने कोई अनुष्ठान नहीं, आप अपना अनुष्ठान बनाए, आप अपना अनुष्ठान चलाए, तब वो अपील कर सकता है कि नागेश्वर संबोधन आसपास में। नहीं नहीं, वो उनको अपील करने की जरूरत ही नहीं है, वो टास्क करेगी। तो यह बात तो आप भूपेंद्र मुनि जी वाले में भी रखते हैं ना, जो बात आप अभी कह रहे हैं उसको भी रखते फिर वहाँ पर। मैं देखिए ऐसा है ना कि ये आप इसको जो ये अपना जो फर्स्ट पेज बना है उसमें क्लियर चीज है कि उसमें इसमें ये लिखा हुआ है 500 जो क्लियर पहला पेज में बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है सीधा। नहीं, आपने तो बैंक पर्सनल अकाउंट नंबर नहीं दिया हुआ किसी का। आपने ट्रस्ट का अकाउंट दिया है, लेकिन आपके पास नहीं आएगा तो वो सोशल मीडिया से फिर आपके लिए अपील करेगा। आप उसको कहोगे कि भैया तुमको साधना तो करनी है, लेकिन थोड़ी अपील इधर भी कर, यहाँ अनुष्ठान हो रहा है। नहीं, ऐसा क्यों बोलो, देखिए ऐसा ना, ऐसा जो देखिए ऐसा ना, सवाल ऐसा होता है। मेरी बात सुनो संजय जी, एक बात बोलता हूँ, कोई साधु संत वहाँ बिराजेंगे, एक बात सोचिए, अपने को सोचने की बात है, साधु संत वहाँ बिराजेंगे तो श्रावक लोग भी आएंगे, श्रावक लोग आएंगे तो श्रावक लोग पूछेंगे जी कि भाई आज महाराज बिराज है, तो महाराज को ही पूछेंगे, महाराज कोई सेवा बताओ आप, पूछेंगे नहीं पूछेंगे। हाँ, अब वो मान लीजिए सेवा की दृष्टि कोई आदमी सामान लाके दे दिया या कुछ कर दिया, तो ये नहीं, नहीं दे रहा है, स्वतः कोई लाके दे उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन सोशल मीडिया में अपील करवाने वाली बात कर रहा हूँ मैं। नहीं तो कहाँ इसमें अपील कर, अभी ऐसी है ना, अभी कोई भी आदमी इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहे, और आज मत मान लो और आज मंदिर बना रहे, कोई आदमी को अपन ये मैसेज में दे दे कि स्वेच्छा से कोई व्यक्ति इसमें जुड़ना चाहे तो स्वागत है और अभिनंदन है, तो इसमें बुराई क्या है ये बताइए आप। नहीं, मुझे आप एक बात बताइए, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये ट्रस्ट बना करके ये जो मेरी एक ही बात समझ में नहीं आ रही, जो लोग मुझसे बार बार ये कह रहे हैं उनका एक पक्ष तार्किक पक्ष है कि एक परिवार के सारे लोग जब ट्रस्ट में आ गए हैं तो ये तो फिर जमीन उनकी हो गई, ये तो। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं सुकरण जी के माध्यम से पैसा आया है और जमीन जो भी हुई है ये बोल रहे हैं कि हमने अपना लगाया है। ऐसा ना, एक चीज है ना, एक चीज जो अभी ऐसा है कि मैं ये अब इसकी इसमें क्या बोलूं, अभी उनको बोलने की बात नहीं, आप अपने कलेजे पर हाथ रख करके नैतिकता से बोलो, भगवान की दुआई देके बोलो। मैं तो जो नैतिकता से बार बोल जो बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ,
और उसमें मैं बिना की प्रमाणिकता के साथ बोल रहा हूँ, देखिए शुभकर्ण जी के समय कौन पैसा दिया नहीं दिया उसकी नीचे मैं उस पर जाऊंगा ही नहीं। क्यों आपको उस बात को सुनिए मेरी बात, इसलिए तो शुभकर्ण जी अभी सुनिए मेरी बात जी, हम आपकी में नहीं है, अगर वो होते तो उसका जवाब वो दे देते थे, ठीक है ना। अब शुभकर्ण जी के बाद की जो स्थिति है वो क्लियर है, किन्होंने किस पैसे पैसा दिया है, ये जिन्होंने भी पैसा दिया है मान लो, तो कोई भी पैसा देगा तो क्लियर है ना कि पैसा दिया है, विजय जी क्लियर करें ना। विजय जी मैं एक बात कहूं, मैं शुभकर्ण जी का बयान तो होगा ही नहीं, मैं उनकी बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ वो पैसा जो आया वो तो आया तो आपके अंदर में ही है, पता तो आपको ही है। मेरी बात सुनिए, जो आया गया वो उस वक्त क्या हुआ उसकी बात को खत्म, उसके बाद में क्या हुआ नहीं हुआ उसकी वो बात तो वो पैसा क्लोज हो गई, वो पैसा क्लोज नहीं, लोग कहते हैं वो तो उनका ही हो गया, वो पैसा तो उनका ही हो गया, आपका मैं एक बात संजय जी समझे, वो पैसा मैंने कोई यहाँ लेके छोड़ आया हूँ, किसी बात कर रहे हैं आप, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, आपका जवाब मिले ना लोगों को, मैं आपसे सवाल क्यों कर रहा हूँ। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, जो पैसा लगा वही लगा है, और वो शुभकर्ण जी वर्तमान में थे, उन्होंने वहाँ लगवाया है तो लगवाया होगा, मुझे क्या मालूम हो, मैं देखो उसकी भी पेपर में देखा ही नहीं, क्योंकि शुभकर्ण जी की बात जब शुभकर्ण जी है ही नहीं तो मैं उसके बारे में बात क्यों करूँ। तो मतलब आप ये कह रहे हैं इस ट्रस्ट के मार्फत किसी भी रूप में एक भी पैसा अनैतिक रूप से आपके घर में नहीं आया, मैंने तो लगाया है उसमें। हाँ तो आपके पास शुभकर्ण जी का भी जो लाया हुआ पैसा है वो आपके पास नहीं आया, वो भूपेंद्र मुनी का भी पैसा है वो आपके पास नहीं आया, आपके पास नहीं आया ना, तो गलत कर रहा है वो, गलत कर रहा है। हाँ तो ठीक है, मैं आपसे वही तो बात पूछना चाहता हूँ, मेरे पास तो कोई अकाउंट है नहीं कि मैं आपको ये बोल सकूँ कि आप कितना लाए कितना नहीं लाए। हाँ संजय जी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, अगर शुभकर्ण जी वर्तमान में होते तो वो शुभकर्ण जी उसका जवाब बराबर देते आपको, ठीक है ना। आज जो भी पैसा उस वक्त आया और वहाँ शुभकर्ण जी की निगरानी में खर्च हुआ बराबर है, जी जो खर्च हुआ या जो भी हुआ वो जाने, उनका काम जाने, मतलब उस मैटर को मैं उसमें, वो आपके पास नहीं है, मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ आपके घर में नहीं है। अच्छा सुनिए, एक पैसा भी नहीं आया, हालांकि मैंने भी है ना, कम से कम उसमें अमाउंट नहीं बताऊंगा, मैंने उसमें अपना बलिदान दिया है। चलो ठीक है, बस यही बात जानना चाहता था ना मैं आपसे, यही बात जानना चाहता था। देखिए वो नहीं संजय जी, आज भी मैं आपको आपके माध्यम से बात बिल्कुल क्लियर ही कर देता हूँ कि संबोधि श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ का जो उद्देश्य है, भक्ति साधना सेवा जो भी काम करना है वो वहाँ पर बिल्कुल होंगे, उसमें इसमें कोई भी आए किसी को भी सहयोग देना हो तो उनका स्वागत है, नहीं देना हो उनका भी स्वागत है, वो आए साधना करे रहे और अपना जो भी सात्विक आहार है वो ले और वहाँ की जो सुविधा उपलब्ध है उसका उपयोग करे, मैं तो ये बोल रहा हूँ। आपने एक बार गौशाला का कहा था, हाँ गौशाला की, हमारी गौशाला का एक्चुअली में हमारा गौशाला की रजिस्ट्रेशन हुई भी है गवर्नमेंट में, संत शुभकर्ण गौशाला सेवा समिति गवर्नमेंट में रजिस्टर करवाया मैंने पहले उसको। इसमें आपने पिछली बार जब हमारी आपकी बात हुई थी आपने गौशाला की बात कही थी, लेकिन उस वक्त हमने आपसे एक सवाल पूछा नहीं था, हमने आपसे कहा था कि इसमें क्या बीमार गायें रहेगी, आपने कहा नहीं अभी तो दूध वाली गायें रहेगी, तो विजय जी तब तो डेयरी फॉर्म हो गया, गौशाला कैसे हुई? नहीं नहीं मेरी बात सुनिए संजय जी, इसमें अभी आप आज ये भी क्लियर ही कर देता हूँ मैं, संत शुभकर्ण गौशाला का रजिस्ट्रेशन हमने राजस्थान गवर्नमेंट से करवाया, ठीक है, नंबर वगैरह सब आ गए, आने के बाद में हमारे को जो गवर्नमेंट से जो फैसिलिटी सुविधा उपलब्ध करवानी थी, गवर्नमेंट ने कहा कि आपको इतनी जगह उपलब्ध करानी पड़ेगी इस गौशाला के लिए, तो मैंने उनके पंचायत में उसी जगह एक पत्र लिख दिया था कि मुझे यहाँ पर इतनी स्थान को उतनी जगह उपलब्ध कराएं, ठीक है। वो जगह उनकी हमारी बातचीत भी चल रही थी, इस बीच में ओलंपिक का प्रॉब्लम आ गया, लंबी का प्रॉब्लम आने के बाद में हम इस मैटर को एक बार ड्रॉप कर दिए कि नहीं अभी हमारे को स्केल पे जाना नहीं है, अभी इसकी जो कंस्ट्रक्शन करने की बात है, अभी मैं आगे चल रहा हूँ, इसकी जो कंस्ट्रक्शन करने की बात है तो हमारे देखिए ऐसा ना, आपने एक बात बहुत अच्छी पहले कही कि आप जो सहयोग मांगने के लिए बाजार में जा रहे हो, आप ये निजी संस्था फॉर्म कर रहे हो, ठीक है ना, ये कहे ना तो मैंने इसमें हमारा दिमाग में क्या था, इसमें हम 5-7 गाय जो है दूध वाली रखेंगे, ठीक है ना, और दूध वाली रखेंगे, बाकी जो गायों को रखेंगे सेवा के लिए रखेंगे, इसमें जो हमारा लक्ष्य था उसमें 300 गायों का था पहले टारगेट,
कि 300 गाय की जगह अगर उपलब्ध हो जाए तो 300 गायों का अपन सेट बना के उसमें सेवा करेंगे। तो इसके लिए जो खर्च मान लो 10-20 गाय या 15 गाय जो रखेंगे, जो इनका जो भी दूध वगैरह होगा उसकी जो होगी इनकम, वो सारी गायों के ऊपर लगा देंगे। ये हमने किसी से हमारे को भीख मांगने की जरूरत न पड़े, हमारी ये व्यवस्था इसी रूप में चले। ये और कोई सहयोग दे तो स्वागत है, नहीं दे तो स्वागत है, उस किसी पर हमारा दिमाग चल रहा था। लेकिन बीच में लंपी का प्रॉब्लम आ गया, फिर हम इसको वहां पर आगे बढ़े भी नहीं, और अब हम इसके ऊपर में हमारा जो है आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और ईश्वर हमारे को शक्ति दे और अर्थ की सहयोग करे प्रभु हमारे को, मैं हम इस काम में आगे बढ़ेंगे। और हमारे भक्ति सेवा साधना आत्मार्थ सेवा के हिसाब से सारा काम करने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। और ये तो अच्छा लग रहा है। इसमें नहीं सुनिए मेरी बात, इसमें हमारे ऊपर आरोप भी लगे, हमको हमारे ट्रस्ट को किसी भी व्यक्ति को उसकी आपत्ति भी नहीं, जिनको जितना आरोप लगाना है वो आराम से लगाए। हम इस ट्रस्ट का पहला काम हमने ये निश्चित किया है कि प्रामाणिकता के साथ काम करना है। तो मुझे मैं एक पैसे की बेईमानी नहीं करनी है, वो नहीं करनी है। तो मैं कह रहा हूँ आप अनुदान सार्वजनिक अनुदान न लेकर के अपने ट्रस्ट के लोगों का जितना जितना होता है उससे ही करें तो क्या दिक्कत है, ताकि लोगों के मन में लोगों के आरोप ही नहीं लगे। फिर आप अपने आप ऐसा काम करें, आप जब अपने घर से पैसा लगा करके काम कर रहे हैं तो आपके जितने लोग हैं वो भी समृद्ध हैं, उनको आपने जोड़ रखा तो उस आधार पर ही तो फिर तो एक ऐसा संजय जी मेरी बात सुनिए, मैं एक बात क्लियर करता हूँ। हम हमारे जितने भी लोग जुड़े हुए या मेरे मित्र है जो भी है वो उस विषय वो तो साथ में चल ही रहे हैं, तो नहीं। और दूसरी चीज है, हम इसमें एक जो आज मान लो गौशाला बनाएंगे तो एक सार्वजनिक चीज है और मंदिर बन रहा है सार्वजनिक है, इसमें कोई भी व्यक्ति अगर जुड़ना चाहे स्वेच्छा से तो उसमें आपत्ति भी क्या है, ये बताओ आप मेरे को पहले। नहीं आपत्ति इसमें वो हमारे साथ आना चाहे तो क्या दिक्कत है, मैं ये बताओ। मान लो संजय जी मेरे साथ आते हैं तो मेरे को क्या दिक्कत है? विजय जी मैं ये कह रहा हूँ, इसकी सार्वजनिक मंच पर अपील ना हो कि आप दे सकते हैं, ये अकाउंट है। मैं आपके आश्रम में गया और मुझे वहाँ की व्यवस्था अच्छी लगी और मैंने अपने हिसाब से अनुदान दे दिया, वो एक अलग बात हुई, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जब सार्वजनिक रूप से अपील करते हो, मैसेज भेजते हो, लोगों को प्रेरित करते हो तो ये गलत है। और उसके बाद आपके वहाँ लोग आते हैं, वहां पर भी अगर आप कोई बोर्ड लगा करके ऐसे रखते हो कि आप यहाँ पर ऐसे सहयोग कर सकते हैं तो वो भी नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की स्वतः भावना हो, वो आपसे पूछे कि भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, कभी हमारे सहयोग की आवश्यकता हो तो हम करना चाहेंगे, वो हुई एक मन की बात। हम उसके लिए इनकार नहीं कर रहे हैं, वो इनकार नहीं कर रहे हैं, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से। लेकिन एक तो हम प्रेरित कर रहे हैं और एक हम साइकोलॉजिकल प्रेशर दे रहे हैं वहां पर किसी व्यक्ति के लिए। बोर्ड पर हमारा लिखा हुआ है, वो व्यक्ति सोच रहा है भाई 4 दिन हमने यहाँ का खाना खाया, हम यहाँ पर रहे, यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, भाई कुछ तो देना चाहिए, इसलिए वो दे रहा है। तो फिर वो थोड़ी सी बात, हालांकि हर व्यक्ति जो व्यक्ति वहां जाता है 2-4 दिन रहेगा वो कुछ न कुछ अपनी तरफ से कहीं ना कहीं करने की सोचेगा। ये मनोवैज्ञानिक बात है, सबकी बात है, सब व्यक्ति सोचते हैं। लेकिन अगर हमारा ट्रस्ट ये कहे कि भाई इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल ये सोच करके भी मत रहिएगा, हमको तो अच्छा लगा है आपने आकर के ध्यान उपासना की है, हमारी तो भूमि ऊर्जित हुई है, हमें तो ये अच्छा लगा है, तो उसके लिए अगर आप मनाही करते दिखे तो फिर लगेगा कि ये ट्रस्ट वास्तव में सेवा का काम कर रहा है। फिर इस ट्रस्ट को किस तरह से हिम्मत दी जाए, किस तरह से शक्ति दी जाए, तब लोग स्वतः आएंगे। और अपने ट्रस्ट में आप कुछ समाज के 3-4 ऐसे लोगों को जोड़िए, मैं आपसे ये निवेदन करता हूं, आप 2-4 ऐसे लोगों को जोड़िए जो जिनकी उपस्थिति से फिर आप पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगे, वो लोग निष्पक्ष हो, वो लोग तटस्थ हो, वो लोग ऐसे लोग हो जो बिल्कुल स्थिति को अपनी समीक्षा भी कर सके, नजर भी रख सके, जिनके पास समय भी हो। तो ऐसे लोगों को जोड़िए जिनसे फिर ऐसा नहीं लगे कि ये व्यापारिक, ये अपना पारिवारिक ट्रस्ट है, ये अपनी जमीन है, ट्रस्ट के नाम पर ये सब कुछ अपना साम्राज्य बना रहे हैं, ये नहीं लगना चाहिए। नहीं नहीं संजय जी ऐसा है ना, देखिए ऐसे ऐसे जो जो लोग जुड़ना चाहे ना,
तो उनका स्वागत है, मैं तो बोल रहा हूँ, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। नहीं स्वागत मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। देखिए ऐसा ना कि जो भी जिनके पास ऐसे लोग जैसे सेवा की भाव और कोई जुड़ना चाहे तो स्वागत है, मैं क्या मना कर रहा हूँ इसमें, मत जुड़ो बोल के। और हमारी तरफ तो ये बोल नहीं रही है लेकिन मत नहीं जुड़े। आपने एक बहुत बढ़िया बात कही, एक बहुत बढ़िया बात कही है इसमें, मैंने आपका ये बात पॉइंट को भी नोट किया कि भाई ये जो सार्वजनिक रूप से जो अकाउंट नंबर भेजा जा रहा है इसको बंद कर दिया जाए, आपका कहने का मतलब ये है सीधा। बिल्कुल बिल्कुल बंद करो आप। और क्या दूसरी चीज है, मैं एक बात आपसे और भी ये कहता हूं, जो हम वहाँ पर मान लो कार्य कर रहे हैं उसकी तो सूचना जारी करने में आपत्ति नहीं है। बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। आज पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर बन रहा है उसकी सूचना जारी करने में तो कोई आपत्ति नहीं है। कोई श्री मंदिर का बना रहे हैं उसमें आपत्ति नहीं है, और गौशाला बना रहे हैं उसकी तो आपत्ति नहीं है। खाली अपने को बैंक अकाउंट नंबर ये नहीं देना चाहिए कि भाई आप इस संस्था में किसी प्रकार का सहयोग करो, नंबर एक, न तो बैंक अकाउंट दिया जाना चाहिए। नंबर दो, जब कोई नया व्यक्ति आपके ट्रस्ट में आता है तो किसी भी तरह से मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, भावनात्मक रूप से ये दिखाया जाना चाहिए, देखिए हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आपके सहयोग की जरूरत है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, व्यक्ति स्वतः प्रेरित हो मजा तब है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट मैं नोट कर लिया, और ये पॉइंट पर हम बिल्कुल इस विषय पर हम जो है ना बिल्कुल मैंने आज विचार करके इस तारीख को हम वैसे ही कर देंगे भाई। चलो मंदिर ये सूचना जारी करेंगे कि मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है, हनुमान जी की अखंड ज्योत प्रज्वलित है, इसमें ये तो लिखने में बुराई नहीं है ना, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप ये लिखते हैं कि अगर आप वहां से गुजर रहे हैं तो ज्योत दर्शन के लिए आइए, ट्रस्ट की सेवाओं को देखने के लिए आइए, तो कोई आपत्ति नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट सामाजिक सेवा के रूप में ही दिखने चाहिए, उस रूप में ही लगने चाहिए, और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये ट्रस्ट इनका अपना पारिवारिक हो गया, ये इनका व्यक्तिगत हो गया, लोगों के अनुदान से ये अपना साम्राज्य बना रहे हैं, अपनी जमीनें खरीद रहे हैं, ये चीजें नहीं। जब विजय जी आप अपने हृदय पर हाथ रख कर के ये बोल रहे हैं कि अब तक एक नया पैसा किसी भी रूप से मेरे घर में नहीं आया, मैंने कुछ भी इसका नहीं किया, मेरा अपना कुछ नहीं है, ये सब ट्रस्ट का है, तो फिर आप अपने काम को उसी रूप में ले जाइए जिससे लोगों के मन में वो भावना आए ही नहीं। हो सकता है आपका काम थोड़ा धीरे चले, लेकिन जितना भी चले उतना प्रामाणिकता के साथ चले। ये संजय जी आपको ये आज आपको आपके माध्यम से भी ये बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि इस विषय पर आज जो हम पूरा विचार कर लेंगे, और विचार करने के बाद में ये हम उसी रूप में चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे पास अगर एक रुपया हमारे मैंने व्यक्तिगत या ट्रस्ट के पास में एक रुपया होगा तो हम एक रुपया के लिए काम को आगे बढ़ाएंगे, नहीं होगा तो एक बार रोक देंगे। चलिए ये बहुत अच्छी बात। और हमारे मित्रगण जो भी जुड़े हुए हैं वो अगर उसमें सहयोग करेंगे उसमें आपत्ति भी नहीं, किसी को बोलने की आवश्यकता भी नहीं। नहीं आप अपील मत कीजिए, आप अपील मत कीजिए, कही आप देखिए आपने इनडायरेक्टली अपील कर दी यहाँ पर मित्रगणों की, वो तो बात ही नहीं थी, जिनके मन में भावना है वो खुद बोलेंगे, खुद करेंगे। हाँ बस 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 ठीक है, तो ये बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा चलिए अब आखिर में हम भूपेंद्र मुनि जी को कोई संदेश देंगे, आप ये कहेंगे कि भैया मेरे पास आपके वो जो आरोप लगा रहे हैं इतने लाख रुपए हैं आपका, उनका इतना सामान रह गया है, तो थोड़ा उनके लिए मैसेज दे दीजिए कि आपका अगर कोई सामान रहा है तो ना, मैं तो भूपेंद्र, देखिए मेरी बात सुनिए, भूपेंद्र मुनि आए बिल्कुल हंसते हुए आए थे और गए भी हंसते हुए, ये बिल्कुल ढोलबाजी के साथ गए, मेरी कोई भी उनसे बात विवाद नहीं है। वो ढोलबाजी तो आपको दिखाने के लिए ढोलबाजी बजाई है, बाकी मन तो टूटा हुआ ही था। नहीं वो ठीक है जो भी हुआ, और दूसरी चीज है मेरी उनके प्रति मंगल कामना है कि वो जहाँ भी रहे और जहाँ भी साधना करे वो बिल्कुल उच्च गति की साधना करे, उसमें विजय कुमार बोथरा की तरफ से कोई भी सहयोग चाहिए निस्वार्थ भाव से, तन मन धन जो मेरे पास उपलब्ध होगा मैं उसकी सेवा उनकी सेवा करूंगा। आपके पास तो उनके रुपए पड़े हैं और आप बोल रहे हैं कि मैं सहयोग करूंगा, वो तो बोल रहे हैं। अभी ऐसा ना रुपये पड़े तो कहाँ पड़े वो तो बता दे मेरे को। हाँ वो बात कही है ना, बाकी अभी वो अगर मेरे पास अगर रुपया पड़ा है उनके उनके भक्तों के अनुदान आए हुए पड़े हैं आपके पास,
तो वो जहाँ भी पढ़े तो कोई मेरे को बता तो देगा ना, उनके बता तो दे, भक्त भी बता देवे या महाराज बता देवे कि हमारे रुपये पड़े हैं यहाँ पर पड़े हैं, तो मैं जो कोई बात नहीं है, अगर मेरे को मैं सारी चीज सारी उपस्थित कर दूंगा यहाँ पर पड़ा है ये देख लीजिए क्या क्या पड़ा है और इसमें मेरा कितना दिया हुआ है वो भी देख लीजिए। अभी तो मैं अभी जब भी मार्च की बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, जब मेरी ऑडिट होगी तो मैं सारी पिक्चर क्लियर कर दूंगा, मैं ऑनलाइन ही जारी कर दूंगा उसको ग्रुपों में, मेरे को टेंशन ही नहीं है इस बात का। जी 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 मेरे मैं अच्छा जो 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 बैलेंस शीट बनाऊंगा ना तो सारी चीज मेरे पास क्या है संजय जी आपको बताऊं कि मैं हर महीने की जो बैंक स्टेटमेंट आता है ना उसकी कैश रिपोर्ट लिखता हूं निकाल के, जो ट्रस्ट का है तो वो ट्रस्ट का हिसाब क्लियर है और किसी कोई संदेह करने की बात ही नहीं है। अब किसी के मन में संदेह है तो अभी देखिए संदेह का तो किसी के पास कोई इलाज नहीं है संजय जी इस दुनिया में, लेकिन अभी मेरे पर भी आरोप लगाया जा सकता है विजय जी, किसी के पर भी आरोप लगाया जा सकता है, वो उसकी बात तो मैं करूंगा ही नहीं। विजय जी आरोप हाँ किसी पर भी लग सकते हैं, सही वाले पर भी लग सकते हैं, लेकिन मन जानता है कि हम गुनहगार हैं या नहीं है, है ना। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि मैं तो सर्विस करने वाला व्यक्ति हूँ और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये नहीं बतानी चाहिए बात, बहुत काफी कठोर बात है ये और सार्वजनिक मंच पर नहीं बोलनी चाहिए। एवन मैंने ट्रस्ट के लिए अपने जो प्रोविडेंट फंड और UPI ना वो भी मैंने डोनेट कर दी, इससे बड़ी बात और मैं क्या बोल सकता हूँ, बोलिए आप। चलिए ये तो छोड़ दीजिए, चलिए आपकी अपनी बात कही है, आपने अपनी बात कही है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं उसको मानूंगा, आप ये कह रहे हैं कि किसी भी रूप में एक पैसा हमारे पास नहीं आया, कोई जमीन पर हमारा कोई जमीन हमारी नहीं है, सब ट्रस्ट की है, हमारा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं ट्रस्ट की है, ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर, ट्रस्ट के हमने जमीन भी जो खरीदी थी वो ट्रस्ट के नाम से ही डोनेट कर दी हमने। जी जी अच्छा दूसरी ठीक है उसका देखिए ऐसा ना ट्रस्ट का अभी ये जो ट्रस्टी जो बने हुए उसका बोलेंगे मालिकाना हक है, ये है देखिए ट्रस्ट ट्रस्ट होता है सीधी बात है और वैधानिक रूप से ट्रस्ट चल रही है, उसकी हर साल रिटर्न दाखिल होती है, सारी चीज होती है, ट्रस्ट रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, ये कोई ऐसी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ट्रस्ट तो रजिस्टर्ड होगी, नहीं तो चल ही नहीं पाएगी। लेकिन आपने एक गलती तो जरूर की है कि भूपेंद्र मुनि जी दुकानदारी कर रहे थे, आपने उनको नहीं रोका, और एक अच्छा संत एक अच्छा साधक तपस्या करने वाला संत अब तपस्या छोड़कर के दुकानदारी की राह पर फैक्ट्री की राह पर चल पड़ा है, इसके जिम्मेदार थोड़े बहुत आप जरूर हैं। अभी इसको आप पता नहीं है, पता नहीं, मैं तो कहता हूँ मैं तो ये कहता हूँ देखिए मैं आज भी ये बात पे अपना बात कह रहा हूँ कि वो जहाँ भी साधना करे, वो साधना कहाँ कर रहे हैं, वो दुकानदारी कर रहे हैं, अब आप वो क्या उच्च कोटि की साधना करे और मेरे से मैं आपको आज भी कह रहा हूँ कि मेरे से किसी भी प्रकार का हमारे परिवार से किसी भी प्रकार की तन मन धन से जो भी सहयोग बचेगा हम करने के लिए तैयार हैं, इसमें किसी प्रकार का मेरे मन में कोई कटुता का भाव भी नहीं है और किसी का वो मेरे बारे में क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं वो मैं उस पर जाऊंगा ही नहीं। मैं हमेशा मेरा एक सकारात्मक मैसेज जो है वो मैं सकारात्मक मैसेज ही दूंगा। तो भूपेंद्र तो आप भूपेंद्र मुनि जी को पुनः आमंत्रण भी दे रहे हैं कि आ सकते हैं आप, आपका नहीं 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 आप देखिए ऐसा ना आमंत्रण अभी तो ये मैंने ट्रस्ट के अंदर में एक चीज क्लियर हो गई कि अभी बोले ना अभी जो जिनको भी साधना करनी हो ना देखो लंबा समय रहना बोले तो दुर्लभ है, ये बहुत मुश्किल काम हो गया, कहीं भी रहे मतलब ये बोल रहा हूँ कहीं भी रहे उनके मैं सहयोग करूंगा। हाँ लेकिन आप अब अपने आपके यहाँ आकर के अगर वो फिर आपका मेल जोल बढ़ जाए तो वो ऐसा नहीं हो सकता, वो अब नहीं, अब किसी का भी नहीं हो, ये जो चीज है ना उपलब्ध कराना बहुत दुर्लभ काम हो गया, ये अच्छा, क्या हो गया संजय जी बड़ा मुश्किल काम हो गया ये। अभी इसमें क्या है इस पर अगर हम जाएंगे ना तो बड़ा एक संकट का स्थिति उत्पन्न हो गई भाई, बढ़ाओ दो दिन रहो पांच दिन रहो सात दिन रहो दस दिन रहो फिर अपनी साधना करो निस्वार्थ भाव से और अपने जो भी साधना करनी है वो साधना करें, कोई आपत्ति नहीं है, बाकी इसमें लंबा लंबा प्रोसेस बोले तो खराब है काम पूरा, फिर मैं भी बदनाम होता हूँ और फिर क्या कुछ बात विवाद हो जाए तो उनका भी उन पर भी इस प्रकार के आरोप लगते हैं वो ठीक नहीं है और अच्छी भी नहीं है, किसी साधु संत के ऊपर में आरोप लगे ये भी अच्छी बात नहीं है, हमारे ऊपर भी लगे ये भी अच्छी बात नहीं है। चलिए आपने अपनी बात खुल करके कह दी, तो ये थे हमारे साथ विजय बोथरा जी, नागेश्वर पार्श्वनाथ संबोधित तीर्थ के
करता ठरता है और इन्हीं के साथ विवाद हुआ था। इन्होंने हमसे बात की है, भूपेंद्र मुनि जी ने किसी भी तरह की कोई बात नहीं की, वो अपना समय हमारे लगाना नहीं चाहते क्योंकि अर्थ के उपार्जन में उनका समय लग रहा है, वो उसमें लगा रहे हैं, त्याग तपस्या की साधना की, अपनी इतने वर्षों की संपत्ति को छोड़ करके एक संत एक साधक आचार्य बन करके अब अर्थ उपार्जन के लिए निकला है। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है और इसके लिए हमने उनसे अपील भी की है कि आप फिर साधना की राह पर आ जाइए, वो संपत्ति अनमोल है। पर दौलत का चस्का ही कुछ ऐसा होता है कि साधना का वो पथ फिर याद दिलाने से भी साधक को याद नहीं आता। आज हमारे कड़वे सवालों के साथ थे हैदराबाद से श्री विजय बोथरा, जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। उनके कुछ जवाबों से हमारी सहमति नहीं बनी और उन्होंने भी यह आश्वासन दिया है कि वो अपनी कुछ प्रक्रिया में बदलाव करेंगे। तो दर्शकों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल बटन को दबाइएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार।